दोस्तों, मैं हूं मदी अंसारी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। उस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए बॉयल पोटैटो, सात बॉयल एग्स, और ये है प्याज और ग्रीन मिर्च का मटेरियल। आलू लिया, अब इसको मैं अच्छी तरह मैश करूंगी। ये आप देख रहे हैं आलू अच्छी तरह मैश हो रहे हैं। ये बॉयल मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने प्याज छोटी छोटी पीस में कटी है, साथ ग्रीन मिर्च है, इसको मैं आलू में मिक्स करूंगी। अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। ये लाल मिर्च ऐड की, नमक, खुश्क धनिया, किसी हल्दी, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गया है, इसको मैंने रेडी करके मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। अब ये एग्स जो मैंने बॉयल किए हैं, इनको मैं छील के एक साइड पे रखूँगी। तो जी दोस्तों, एक तरफ मेरा मटेरियल रेडी है, दूसरी तरफ मैंने एग्स बॉयल करके उनको दरमियान में से कट कर लिया है। अब एक बाउल में हम लोग बेसन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, दो चुटकी है ये डाल दो, ठीक है, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, हम एक एग लेंगे, इसके इक्वल हम लोगों ने इस मटेरियल को इस अंडे पे लगाया। ये आप लोग देख लें, एग पे हम मैंने मटेरियल को अंडे की शेप के इक्वल लगा दिया, रख दिया। जो हमारा बेसन था उसमें इसको अच्छी तरह डिप करेंगे, डिप करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे। या मैं इन सबको फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं रेडी है हमारी अंडा पकौड़ा रेसिपी। इसको हम आपके सामने कट भी करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखें कि कितनी यम्मी है। ये 10 मिनट्स में आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।